नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली बीट्स। आज मैं आप सबको एक म्यूजियम में लेके चल रहा हूँ, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अपना इंदिरा प्रियदर्शनी रहते थे। ये नंबर 1 सफदरजंग रोड पाला नंबर बंगला है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से का अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर पे है। इसका टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 4:45 बजे तक है, मंडे लेकिन क्लोज्ड है। ये वो घर है जहाँ इंदिरा प्रियदर्शनी का हत्या हुआ था। जो भी प्राइवेट व्हीकल में आते हैं उनके लिए यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। चलिए अभी म्यूजियम में चलते हैं, एक सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद ही हमें मतलब अंदर अलाउ करता है। ये वो कारपोर्च है, एक टाइम में भारत का प्रधानमंत्री का कारपोर्च था। एक इंट्रोडक्शन सामने दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, इस घर में इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद 1964 में यहाँ पे रहने आई। फिर वो 1984 तक, जब उनका हत्या हुआ था, तब तक यहीं पे रही। ये उन समाचारों के संग्रह है जो उनकी मृत्यु के समय देश के विभिन्न मीडियाओं में छपे थे। फिर आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में ही इंदिरा गांधी को, जो देश के अलग अलग जो डिफरेंट एबल्ड बच्चों ने जो दिया गया, पत्रों का संग्रह है। इतिहास के कई सारे महारथियों के साथ की तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। ये उनका मृत्यु से कुछ दिन पहले, जब ओडिशा का भुवनेश्वर में पब्लिक को जब उन्होंने अटेंड किया था, उस स्पीच है। ये उनका पॉलिटिकल करियर ग्राफ है। यहाँ हमें कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग आपको देख सकता है, राजनीति में उनका सफ़र, महापुरुषों के साथ का तस्वीरें, चुनाव में उनके जो हार जीत, आपातकाल जैसे उनके विवादित फैसले, ये सब के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पे लगाया गया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय उन्होंने जिस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर दिए थे, वो यहाँ पे एकदम अमूल्य खजाने के रूप में रखा हुआ है। उनके पूरे परिवार का चित्र संग्रह, अपने भारत रत्न पुरस्कार के दौरान उनको मिला हुआ कई अनेक अन्य पदक और प्रशंसा पद, ये सब यहाँ पे विजिट करने वाले जो संदर्शकों को एकदम खास एहसास देता है। उनका मृत्यु के दिन पहने हुए साड़ी, चप्पल और बैग आप देख सकते हैं। आगे चलते वक्त फिर उनका फैमिली पूरा फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, उनका माता पिता, पति, बच्चे, पोते, उनका बचपन का फोटोग्राफ जहाँ वो बड़ा हुआ था, अपना अलाहाबाद का आनंद भवन, स्वराज भवन, तीन मूर्ति भवन, ये सबका पूरा रियरेस्ट पिक्चर इधर देख सकते हैं। राजीव गांधी के साथ, संजय गांधी के साथ, ये सब पिक्चर आप देख सकते हैं। उनका पर्सनल आइटम्स, उनका पेन, पेंसिल, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। राजीव अपना महात्मा गांधी के साथ का पिक्चर, उनका बॉक्स और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, ये सब आप देख सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ते वक्त, महात्मा गांधी के डेथ के समय और उसके बाद उनका साड़ियाँ, उनका पर्सनल डायरी, जो बच्चों को और हस्बैंड को जो लिखा हुआ चिट्ठियाँ, उनका मिला हुआ कई सारे पुरस्कार, चावियाँ और विदेश नेताओं के इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग में जब उन्होंने अटेंड किया था उस टाइम का पिक्चर, और कई सारे नेशनल या इंटरनेशनल नेताओं के साथ के पिक्चर, ये सब यहाँ पे लगा रखा है। चलिए अब बाहर चलते हैं, फिर यहाँ से फिर अंदर चलते हैं। ये उनका ड्रेसिंग रूम आप देख सकते हैं, उनके साड़ियाँ, उनका सिलाई बैग, चरखा, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ठीक बगल में ही इनका स्टडी रूम है। एक उनके दिन का मैक्सिमम टाइम वो इधर ही बिताते थे, यही वो अपने फोन कॉल का जवाब देते थे। यहाँ हम उनके किताबों का संग्रह, उनकी स्टडी टेबल, उनका रिलैक्सिंग चेयर, ये सब देख सकते हैं। अब चलते हैं उनका जो प्रिय पुत्र, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वासस्थान। उनका जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम इधर ही निकाले, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स वो इधर ही रहे थे। इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के
अभी जो प्रधानमंत्री का रेजिडेंस है 5 रेस कोर्स रोड, वहाँ पे फिर बीवी बच्चों के साथ शिफ्ट किए थे। उनके कई सारे पर्सनल आइटम्स यहाँ पे रखे हुए, उनके पत्रों का संग्रह, उनका सफ़ेद कुर्ते, जब वो कांग्रेस मीटिंग में जाते थे जो पहनते थे, जो शाल बैडजर्स, और वो बहुत ही अच्छा एक फोटोग्राफर थे, तो उन्होंने खींचा गया। काफ़ी सारे फोटोज़ यहाँ पे लगा रखा है, और जो पब्लिक के साथ, पब्लिक को अटेंड करके उन्होंने जो भाषण देते थे उसका पिक्चर्स, और ये सब यहाँ पे लगा रखा है। आखिर में 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बतूर में रात में 10:10 पर एक LTT बॉम्बर ने, सुइसाइड बॉम्बर ने उनका जान ले लिए थे। उस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से दरवाज़ा खुला बाहर लॉन की तरफ, इधर से फिर जाएंगे हम इंदिरा गांधी का बेडरूम की तरफ। ये इंदिरा गांधी का बेडरूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका फिर किताबों का कलेक्शन। बेडरूम का साइड में ही इनका पूजा रूम है, इस पूजा रूम में आपको काफ़ी सारे मूर्ति दिखाई देगा। ये सब इनको जो विजिट करने के लिए जो पब्लिक आते थे उन लोग अपने तरफ से गिफ्ट देते थे। फिर आपको हमें बाहर की तरफ, फिर उधर से फिर इनका ड्राइंग रूम की तरफ एंट्री है। ये इनका ड्राइंग रूम है, यहीं पे वो विजिटर्स को, मतलब जितना भी जो गेस्ट वगैरह आते हैं या स्वदेशों का विदेशों का, सबको इधर ही रिसीव करते थे। और ऊपर से ये उनका मीटिंग प्लेस भी है फैमिली का। उधर से फिर हम चलेंगे इनका डाइनिंग हॉल की तरफ, बीच में आपको एक म्यूरल पेंटिंग उनका देखने को मिलेगा। ये उनका डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग हॉल से फिर हम बाहर की तरफ चलेंगे। ये रास्ता पर हमें पहुंचा देंगे उनका बलिदान स्थल पे। रोज इंदिरा गांधी दफ्तर जाने से पहले अपने घर से एक अकबर रोड, जहां उनका ऑफिस था, वहां तक पैदल जाती थी। वहां उनको जो देखने के लिए, जो विजिट करने के लिए आते थे पब्लिक, उनसे मिलते थे। उस दिन भी 1984 अक्टूबर 31, उस दिन भी ऐसे ही पैदल जा रहे थे। उनके लिए आयरिश टेलीविजन से जो टीम आया हुआ वो वेट कर रहे थे। ये जो अंदिम जहां चले थे उतना तो कुछ दूर अभी ग्लास से ढक दिया गया है, अभी किसी को अभी यहाँ पे अलाउ नहीं है। उस दिन 9:15 पे उनका ही खुद का जो दो अंगरक्षकों, मिस्टर बीन सिंह एंड मिस्टर सतवंत सिंह, उनका द्वारा उनका बॉडी पे 33 बुलेट चलाए थे। उनका उसी टाइम उनका हत्या हो गई। जहाँ वो गिरे थे, आखिर में जहाँ गिरे थे वो अभी ग्लास से ढक के, एक काला ग्लास एक स्पॉट बना रखा है, वहीं पे वो गिरे थे। यही है वो जगह। उसके बाद जो बीन सिंह को उसी टाइम पुलिस ने मार दिया था, लेकिन सतवंत सिंह बाद में 4-5 साल के बाद जेल में उसका उसको हैंग कर दिया गया। जो राइट साइड में दिख रहा था वही उनका ऑफिस था। अभी इधर से चलते हैं, बाहर की तरफ रास्ता है, यहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था है। साइड में एक टाइगर का स्टैचू होगा, उनको मिला हुआ था उस टाइम, उसमें एक जो राजीव गांधी को लिखा गया चिट्ठी भी लगा रखा है। ये एक सुवनी शॉप है, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट, उनका जो पिक्चर्स, फोटोज़, टी शर्ट्स, कैप और ये सब मिलेगा, ठीक रेट में मिल जाता है। चलिए अभी बाहर की तरफ चलते हैं, उनका जो आत्म बलिदानी जीवन कामते हुए बाहर चलते हैं। अभी आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी कमेंट्स है नीचे से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।